नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लखनऊ विश्वविद्यालय के लगभग सभी पीजी कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम आज समाप्त हो जाएगा और ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय ने कल से इट्स मीन की कल 3 से एक एसएमएस भेजना लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया है लगभग सभी पीजी कोर्सेज के अभ्यर्थियों को, और उसमें ये कहा गया है कि आपको अपना लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट करना है, जिसको लेकर के आप सब में ढेरों सारा कंफ्यूजन है, ढेरों सारा डाउट है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट करना है। जितने भी आपके डाउट्स कंफ्यूजन है उन सभी के बारे में मैं एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करूंगा और साथ ही साथ आपको पोर्टल पर लॉगिन करके दिखाऊंगा कि आपको करना कैसे है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये LU यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट ज्यादा कुछ हमारा अभी फिलहाल तो यहाँ देना नहीं है, आगे बताएंगे। अभी आपके मन में जो डाउट कंफ्यूजन कुछ इस प्रकार चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपके डाउट्स को देख लेता हूँ कि आपके डाउट्स क्या है और उस पर आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपके मन में डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर ये लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स एडिट किसको करना है। एक बार मैं मैसेज दिखाता हूँ कि यह मैसेज कुछ इस प्रकार है, लिखा गया कि सबमिट योर ग्रेजुएशन मार्क्स थ्रू योर लॉगिन इंटरफेस बिफोर 1/8/2024, मतलब 1 अगस्त 2024 जो है मिडनाइट, मतलब कि मिडनाइट का मतलब यह है कि अर्धरात्रि कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब रात से पहले आपको अपने एडिट क्वालिफिकेशन ऑप्शन को जो है यूज करके एडिट करना है। इसका यह मतलब है कि मान लीजिए कि आपने अपियरिंग यानी कि लास्ट ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में थे आप और आपने LU यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय का आपने किसी भी पीजी कोर्स का फॉर्म भरा था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय आपसे ये कह रहा है कि भाई आप अपने ग्रेजुएशन का पूरा ओवरऑल मार्क्स अपडेट करिए, जिसको लेकर के आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है। आइए हम एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल होगा कि सर किसको किसको करना है। तो देखिए भाई, जो लोग इस साल अपियरिंग में थे, अपियरिंग में फॉर्म अप्लाई किए थे, अपियरिंग का मतलब क्या है कि इस साल 23 में, मतलब माफ करिएगा 24 में आपका ग्रेजुएशन चल रहा था और आपने पीजी किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उस केस में जब आपने अप्लाई किया होगा उस टाइम आपका रिजल्ट रहा नहीं होगा क्योंकि आप अपीयरिंग में अप्लाई किए थे, तो ग्रेजुएशन का मार्क्स आपके पास पूरा था नहीं, तो उस केस में उन अभ्यर्थियों को करना है। कहने का मतलब यह कि जो लोग इस बार अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई किए थे किसी पीजी कोर्स में उनको ये करना है। और कुछ अभ्यर्थियों को एक डाउट ये है कि सर मेजर माइनर का जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेजर का भी करना है कि माइनर का भी करना है, तो काम करेगा अभी मैं इस डाउट्स को पहले सॉल्व करता हूँ, फिर आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जहां पे हमने अभी सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर बातचीत किया है और आप सभी के डाउट्स को मैंने पूछा है और एक एक करके उसका रिप्लाई कैसे हमको मिला है, उस रिकॉर्डिंग को भी आप सुनिए। एक काम करता हूँ कि पहले आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, ठीक है? इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से 2 मिनट में सुन लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके इस पे चर्चा करूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर से हो रही है? जी बताइए। एक्चुअली सर, जी बताइए। हाँ जी सर, मैं सर ये कह रहा था सर, जो कल एक अपडेट आई है लखनऊ की तरफ से पीजी के स्टूडेंट्स के लिए कि सर उनको अपना लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स एडिट करना है, जी। सर मुझे उसमें 4 से 5 डाउट है, मैं एक एक करके पूछता हूँ सर, प्लीज़ इसको बता दीजिए। सबसे पहले सर तो ये पूछना है ये इसमें कि सर जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसका मार्क्स जो है वो CGPA में आया है, तो सर वो कैसे डालेगा उसमें? CGPA को आप कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स का जो ऑप्शन दिया गया है उसके लिए अपनी कॉलेज में विजिट करें, वहाँ से पता करें कि मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, देन उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्टेंट मार्क्स निकाल के उसे फिल कीजिए। अच्छा, CGPA को हम सर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और देन हम मैक्सिमम मिनिमम पता करके डाल दें। अच्छा, दूसरा सर डाउट ये था कि सर मान लीजिए कि सर लेट सपोज कि सर हमारा मतलब किसी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है 6th सेमेस्टर का, तो सर देन वो क्या कर सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं, जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें क्वालिफिकेशन ऐड करना, अगर आपके पास मार्कशीट है तो ऐड करिए, नहीं है तो यूनिवर्सिटी जाइए वहाँ बात करिए। अच्छा, मतलब सर अगर मान लीजिए सर क्या ऐसा हो सकता है कि 6th सेमेस्टर मतलब 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या सर हम पाँचवें का अपडेट कर सकते हैं? नहीं सर, आपको और ओवल मेंशन करना है, यानी कि सर हमको तीनों साल का ओवरऑल पूरा मार्क्स मेंशन करना है आपको, हाँ पूरा कितने मैक्सिमम मार्क्स का पेपर था 3 सालों में और कितना आया है ना सर? अच्छा, इसमें सर एक और डाउट है कि सर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है सर,
क्या सर हमको मेजर माइनर को करिकुलर सर जितने भी चुकी है जब से सेमेस्टर पद्धति लागू हुई है एनईपी के थ्रू, तो सर सब कुछ मिला करके डालना हमको है जी? मतलब सर देखिए जैसे सर एनईपी जब से लागू हुई है तो आप सर जानते होंगे कि सर उसमें मेजर है माइनर है को करिकुलर है वोकेशनल है, तो सर हमको जो रिजल्ट में जो नीचे लिखा होता है सर ओवरऑल मार्क्स पूरा उसको कैलकुलेट करके डालना है या फिर मेजर माइनर मतलब पूरा और ओवर मेंशन करना आपको मतलब ओवरऑल सर जो रिजल्ट पे लिखा है उसकी आप बात कर रहे हैं? जी 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 एक एक सर सवाल एक और सवाल सर जी, रही जी सर हेलो हाँ जी सर जी बताइए। हाँ सर लगभग तो सर मेरे सारे डाउट्स क्लियर थे सर, एक प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही है कि सर उनका लास्ट ईयर का सर लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है जी, तो सर ये थोड़ी सी सर प्रॉब्लम थी मतलब एक ये जी जी सर सिक्स सेमेस्टर का तो सर वो अपने यूनिवर्सिटी जाए या लखनऊ यूनिवर्सिटी? अच्छा क्या सर मतलब मैं सर एक आपसे एक और चीज कहता हूँ कि सर बहुत जगह क्या होता है सर ना कि जब सर सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता है तो लोग ये कहते हैं कि अपना लास्ट क्वालिफिकेशन मतलब फिफ्थ का अपडेट कर दीजिए आप लोग। जी नहीं सर मैं आपकी बात तो सर समझ पा रहा हूँ चूंकि सर यही तो मेरिट बेस बनता है, मेरिट बनता है इसी बेस पे। हाँ ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। तो आई होप कि आपने इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना होगा। तो सबसे पहले भाई कि जी जो लोग जो है थे अपने जो है अपीयरिंग में उनको करना है मेजर माइनर का चेक करिए कि आपको ओवरऑल देखिए ओवरऑल आपके मार्कशीट पे कितना मार्क्स लिखा है वो लिखना है, मतलब आपका एक होता है ना मैक्स मार्क्स, मैक्स मतलब सपोज अगर 900 का पेपर था लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मिनिमम मतलब आपने कितना पायलट सपोज आपका 500 है ठीक है, तो क्या का मतलब है कि आपका मैक्स ये हो गया और मिनिमम ये हो गया ठीक है, तो वो काउंट कर लेंगे ठीक है। तो मेजर माइनर का चक्कर हो गया भाई कि जो आपके रिजल्ट ओवरऑल लिखा है उसको देखना है। अब कुछ लोग का ये कहना है कि सर हमको लास्ट ईयर का करना है या जो है लास्ट सेमेस्टर का, तो भाई देखिए आपको ना ओवरऑल मिला करके यानी कि 3 इयर्स का अगर आपका ग्रेजुएशन रहा होगा 3 इयर्स का, तो ओवरऑल भाई तीनों साल का मिला करके जैसे मान लीजिए एक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका बीए कोर्स होगा लेट सपोज कि आपका बीए कोर्स ठीक है, बीए कोर्स में लगभग 600 का एक 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 ईयर होता है 1 ईयर ठीक है, मान लीजिए कि 6 कर दिए और ये 6 कर दिए ठीक है, तो मान लीजिए कि 1800 मार्क्स हो गया ठीक है 3 साल का। अब 3 सालों में जो आप मान लीजिए 600 में से आपका आया था 300, 600 में आपका आया था 400, 600 में आपका आया था 500 ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे ठीक है जी, आपका हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम में आपका 3, 4, 7, 7, 5, 12 ये 1200 आपका हो गया मिनिमम, और मैक्स क्या हो गया आपका भाई ये आपका 1800 हो गया ठीक है। तो ऐसे आपको करना है 3 साल से मिला करके ठीक है। अब आइए अब देखिए उसके बाद भाई कई सारे अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं है, देखिए भाई रिजल्ट के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग में भी आपने सुना है कि आपको लखनऊ में जाकर बात करना होगा, हालांकि आमतौर पे इस केस में क्या होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है या आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है तो आप उसको अपडेट करिए, आमतौर पर यह बात कही जाती है ठीक है। चूंकि रिजल्ट आया नहीं तो देखिए एक मैं काम करता हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो अभी हेल्पलाइन नंबर अभी मैं आके लिख दूंगा या फिर मैं लिख देता हूँ, एक काम करिए आप लोग मेरे ख्याल से इस नंबर पर आप लोग एक बार बात करिए 78 ठीक है 78 और 97 और 97 और 92 एक सेकेंड डबल लाइन होगा एक सेकेंड डबल लाइन होगा एंड 0 0 एक सेकेंड फिर से लिखना पड़ेगा देखिए 78 एंड 97 एंड डबल लाइन एंड 2064 ये देखिए एलयू का हेल्पलाइन नंबर है ठीक है, एलयू का ये हेल्पलाइन नंबर है ठीक है, इस पे आप एक बार बात करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि भाई जब मैक्सिमम बच्चे अपने प्रॉब्लम को बताएंगे कि हमारे लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं जो कि हेल्पलाइन नंबर मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि आपको लखनऊ में आके बातचीत करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा, लेकिन आप में से ढेरों सारा अभ्यर्थी कई कई अलग अलग सिटी से होंगे, सब लोग तो लखनऊ के होंगे नहीं, तो इस केस में एक बार आप इस हेल्पलाइन में बातचीत कर जो जहाँ मैंने बात किया है
और अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा। ठीक है, आइए हम आपको कुछ और प्रॉब्लम बताते हैं उसका आंसर, देन हम अभी पोर्टल पे लेके चलेंगे, लॉगिन करके दिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, जिनका रिजल्ट दिया है, कहा जा रहा है कि आपको जो है चूंकि पूरा तीनों साल का मिलाकर करना है, चूंकि देखिए बात तो सही है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो एक चीज और समझिए, मैं एक और बात समझिए। लेट सपोज कि आपका एलएलबी कोर्स, मेरी बात ध्यान समझिएगा, लेट सपोज कि आपका एलएलबी कोर्स, ठीक, मान लीजिए मेरा नाम अभिमान है, तो मैंने लिख दिया अभिमान, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि अभिमान मेरा नाम लिख दिया, हमने यहाँ लिख दे रहे हैं शुभम, हम शुभम सर का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक, फिर हमने आप लिख दे रहे हैं अशरफ सर का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, अशरफ सर का। मान लीजिए कि तीन स्टूडेंट थे और जिनका एलएलबी में 140 नंबर था और 140 नंबर था, ठीक, अब इनका नंबर तो सेम है, क्या कहां पे, एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। अब इनको भाई मान लीजिए कि तीनों अभ्यर्थियों का जो है सेम नंबर है और सीट केवल एक बचा है, एक सीट बचा है, जरा मेरी बात को और समझिएगा, ये तीन अभ्यर्थी है और तीनों का मार्क्स सेम है लेकिन सीट एक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, यानी कि भाई आपने जो यूजी किया है ना, यूजी किया है, उसमें देखा जाएगा कि किस अभ्यर्थी का सबसे ज्यादा परसेंटेज है या सबसे ज्यादा मार्क्स है। आई होप कि मेरी बात को समझ पाए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर तीन अभ्यर्थियों का, तीन स्टूडेंट का नंबर सेम है और एक सीट है, तो सीट उसको मिलेगी जिसका यूजी में मार्क्स अच्छा होगा, और इसीलिए एलयू यूजी के मार्क्स को अपडेट करने के लिए कह रहा है। और आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आप मार्क्स को अपडेट नहीं करेंगे तो कितना आपको नुकसान होगा, आपका एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि इसका नुकसान कहां से कैसे होता है। ठीक है, वीडियो इसलिए लंबा हो रहा है कि मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं कि क्या फायदा क्या नुकसान, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो कितना नुकसान है। ठीक है, तो ये आप समझ के भाई कि जिनका रिजल्ट नया है, तो भाई देखिए रिजल्ट आप पता करिए कॉलेज से, एक बार मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया वहां से बातचीत करिए, अगर नहीं होगा तो फिफ्थ सेमेस्टर का अपडेट करने का एक ऑप्शन है, हालांकि पहले आप बातचीत कर लीजिएगा भाई। देखिए दूसरी बात, अंतिम बात है कि सर मेरा रिजल्ट सीजीपीए में है, तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपको पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, और आपका मैक्सिमम कितने मार्क्स का था और मिनिमम कितना है आपको कर देना है। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल तीनों साल का मिलाकर के आपको मैक्सिमम तीनों साल में कितना मार्क्स का पेपर हुआ था और मिनिमम आपका कितना था, या ऑब्टेंड मार्क्स बोलते हैं कितना आया था। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया, अब मैं आपको ले चलता हूं लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, और यहां मैं लॉगिन करके एडिट योर क्वालिफिकेशन मार्क्स पे आप टैप करेंगे तो यहां पे कई सारा ऑप्शन आएगा, और यहां पे हम किसी एक छात्र का लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे एडिट करना है। ठीक है, हमारे पास एक अभ्यर्थी का यहां पे यूजर आईडी पासवर्ड है, तो देखिए भाई हमने यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल दिया, देन हम लॉगिन करेंगे और आई की प्रक्रिया आपको बताते हैं। तो देखिए भाई कुछ इस तरह का, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आएगा, क्योंकि पर्सनल और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रीजन से मैंने चीजें छिपा दी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन आ गया है एडिट क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहीं पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे डाउनलोड आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, डाउनलोड फीस रिसिप्ट था, डाउनलोड एडमिट कार्ड था, यहीं पे आ गया है एडिट क्वालिफिकेशन जो है डिटेल, और यहीं पे हम टाइप करके इस प्रक्रिया को करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा ना, आपका 10th का, फिर 12th का, फिर नीचे आपका ग्रेजुएशन का रहेगा मार्क्स। तो देखिए भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री, और यहाँ पे पासिंग स्टेटस में देखिए इन्होंने अपीयरिंग किया था, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, इनका ग्रेजुएशन में बीए था, देखिए यहाँ के यूनिवर्सिटी का नाम है, और यहाँ पे दिखा रहा है सब्जेक्ट फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी था इनका। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू तब करेंगे जब हम इसको एडिट कर लेंगे। मान लीजिए कि हमको पास करना है, जैसे लेट सपोज, तो हम यहाँ अपीयरिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे टैप कर देंगे, और यहाँ पे पास कहा, जब आप पास पर टैप करेंगे तो देखिए पूछेगा कि रोल नंबर क्या था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मिनिमम मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था। ध्यान दीजिएगा इनका सीजीपीए में है, कन्वर्ट करके मैक्सिमम मार्क्स कितना है टोटल मिला करके तीनों साल का। ध्यान दीजिएगा मैं फिर से कर रहा हूँ रिपीट की, तीन साल का पूरा मिला कितना मार्क्स आया था, जो है तीन साल का मैक्सिमम कितना मार्क्स था और मिनिमम कितना था, और परसेंटेज में उसको निकाल के उसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल भर करके एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो आपका ये काम हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि कितना इसका इंपॉर्टेंस है, यहाँ गलती करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, मेरिट लिस्ट में आप वंचित रह जाएंगे एडमिशन से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आई होप कि मेरी हर एक बात को आप समझ लोगे, डिटेल में मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया ताकि आपको कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डेना स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।